दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए और आपके बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और आपकी जो भी राय होगी वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि इस पर सभी की राय अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन सभी की सोच मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर एक ही जैसी होने वाली है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जान है तो जहान है। कोरोना वायरस से अब तक भारत में 87,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का जब शुरुआती दौर था भारत में, तो उस वक्त जब भी कोई बेवजह बिना बताए घर से बाहर निकलता था तो पुलिस उन्हें इस तरह से पीटती थी जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन कोरोना फिर भी नहीं रुका। इसमें सरकार की भी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है। ये बीमारी नई थी और इसका कोई इलाज भी नहीं है और अब तक निकलकर नहीं आ सका है। इस बीमारी का इलाज कब तक निकलेगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस बीमारी का इलाज निकलने में 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल कितना समय लगने वाला है इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं है। देखिए कोरोना से बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग अपनी अच्छी इम्यूनिटी के चलते ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हर रोज जिम जाया करते थे, जो अच्छा खान पान रखा करते थे, लेकिन वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये पहली बार था जब पूरा का पूरा भारत थम चुका था। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया थम चुकी थी। ऐसा पहली बार हुआ जब बच्चे बिना एग्जाम दिए ही आगे की क्लास में चले गए, वो बिना एग्जाम दिए ही पास हो गए। लगा था कि जून जुलाई का महीना आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्कूल फिर से खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार ने भी ये कह दिया कि जब तक कोरोना की बीमारी बनी रहेगी तब तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज किसी भी तरह से हम खोलने के किसी भी मूड में नहीं है। अब इस बात से बच्चे तो खुश हो गए, लेकिन जो स्कूल वाले थे, खासकर जो प्राइवेट स्कूल वाले, वो परेशान हो गए। देखिए सरकारी स्कूल वालों को स्कूल चले बंद रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो उनकी सैलरी है वो टाइम टू टाइम सरकार की तरफ से मिली जाती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले, और प्राइवेट स्कूल वालों के बारे में भी यही कहूंगा कि उन्होंने पैसे तो बहुत कमाए हैं, लेकिन वो हर बार ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनके पास पैसे है ही नहीं। तो जो प्राइवेट स्कूल वाले थे वो इस बात से परेशान हो गए कि यार जब स्कूल खुलेगा ही नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, हमारी आमदनी नहीं होगी तो हमारा स्कूल कैसे बढ़ेगा, हमारा तो पूरा का पूरा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। और इसे बिजनेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी बिजनेस के जैसी ही हो गई है। देखिए अगर आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने में जरा सी भी देरी कर देते हैं तो स्कूल वाले इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे उनके ऊपर ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। वो इस तरह से दिखाएंगे कि वो अपने स्कूल के टीचर्स की सैलरी कहाँ से देंगे, स्कूल का जो बिजली का बिल आएगा वो कहाँ से भरेंगे, स्कूल में जो पानी आता है वो कहाँ से भरेंगे। मतलब इस तरह से दिखाएंगे कि अगर आपने टाइम पर फीस नहीं भरा तो स्कूल आने वाले 2-3 दिनों में बर्बाद हो जाएगा और स्कूल को बंद करने की नौबत आ जाएगी। देखिये जो बच्चे स्कूल का फीस टाइम पर नहीं भरते हैं उन बच्चों को स्कूलों में जलील भी किया जाता है। जो क्लास टीचर होते हैं वो बच्चों को बाकी बच्चों के सामने जलील करते हैं, उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें क्लास में आने नहीं दिया जाता है। और ऐसे में जब एग्जाम्स करीब होते हैं तब इनके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है। इन्हें फीस लेने के लिए इनके पेरेंट्स को परेशान किया जाता है, इनके पेरेंट्स के साथ गलत तरीके से बातें की जाती है और इन्हें धमकियां दी जाती है कि अगर आपके बच्चे की स्कूल फीस टाइम पर नहीं भरी गई तो आपके बच्चे को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, उसे बाहर रखा जाएगा, उसे फेल कर दिया जाएगा। हालांकि ये संभव नहीं होता है, लेकिन स्कूल प्रशासन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो बच्चों के ऊपर दबाव बनाएंगे तो बच्चे पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाएंगे। ये इमोशनली ब्लैकमेल करने का एक तरीका होता है जिसमें ये पास भी हो जाते हैं और पेरेंट्स ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रबंध करके अपने बच्चों के स्कूल की फीस जो होती है उसे भर देते हैं। और एक बार आपने अगर अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर दी उस महीने की तो आपका बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े इस बात से स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक जमाना ऐसा भी था जब पेरेंट्स के बीच में और स्कूल टीचर्स के बीच में एक अच्छा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन आज आप स्कूलों में जाते हो, जब अपने बच्चों के थ्रू आप स्कूलों में जाते हो तो पेरेंट्स के साथ एक गलत तरीके से बर्ताव किया जाता है, खासकर उनके साथ जिनके बच्चों की फीस टाइम पर नहीं भरी जाती है, उन्हें उनका रिजल्ट तक देखने नहीं दिया जाता है।
जबकि पूरा का पूरा साल बाकी होता है, जब तक आप पूरी फीस नहीं भर दोगे तब तक स्कूल वाले आपके बच्चे का जो रिजल्ट होगा वो देंगे नहीं। लेकिन पूरे साल आपको और आपके बच्चों को परेशान किया जाता है इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा। देखिए, स्कूल में जो आजकल नए नए टीचर्स भर्ती हो रहे हैं, एक तो इनकी सैलरी कम होती है, ऊपर से इनकी जो एज होती है वो 22 से लेकर 24 25 साल तक की होती है, और उस दौर के टीचरों में और आज के दौर के टीचरों में जमीन आसमान का अंतर है। इन्हें बात करने का जरा सा भी सलीका नहीं होता है कि पेरेंट्स के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, आपका बच्चा पढ़े या ना पढ़े, इन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी जो सैलरी है टाइम पे मिल रही है, इनके लिए बस उतना ही काफी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि स्कूल की बात अचानक से करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब तक स्कूल खुलेगा नहीं तब तक इन स्कूल वालों का बिजनेस बढ़ेगा नहीं, और जब तक बिजनेस बढ़ेगा नहीं ये आपके पीछे पड़े ही रहेंगे और हर हाल में पड़े रहेंगे। इन प्राइवेट स्कूल वालों ने एक तरीका निकाल लिया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएंगे। ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे? मोबाइल के ऊपर पढ़ाएंगे। सोचिए, जिस मोबाइल को स्कूल में लाने के लिए एक टाइम पर एक्शन लिया जाता था, बच्चों के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाता था कि आपका बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आएगा तो हम आपके साथ आपके बच्चे का जो मोबाइल होगा उसे अपने पास रख लेंगे, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, तरह तरह की चीजें होती थी। आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। अब सोचिए, उस छोटे से मोबाइल के ऊपर आपका बच्चा क्या पढ़ाई करता होगा, उसे क्या समझ में आता होगा। जिस बच्चे को डायरेक्ट क्लास में बैठकर कुछ समझ में नहीं आता था और टीचर क्या पढ़ा रहे हैं इस बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो बच्चा भला छोटे से मोबाइल के ऊपर क्या पढ़ाई करता होगा? या तो उस बच्चे की आने वाले समय में आंखें खराब हो जाएगी या तो मोबाइल फट जाएगा। अब सोचिए उन पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को मोबाइल दे सके कि वो स्कूल की पढ़ाई कर सके। हर घर में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, हर पेरेंट्स इतनी कमाई नहीं करता, वो बस इतना सोचता है कि उसके घर का बच्चा किसी तरह से पढ़ लिख ले, वो अपने बच्चों की जो निजी जरूरत है उसे पूरा कर ले। लेकिन स्कूल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस इस बात से मतलब है कि उनका जो बिजनेस है वो चलते रहना चाहिए। देखिये, पिछले 7 महीने से कई लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, लोग घरों में ही बंद पड़े थे। जब लॉकडाउन खुला तो बहुत सारी जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी भी बंद है, जैसे लोकल ट्रेन बंद है, बसें बंद है, तो वो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कई लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, कई लोगों की सैलरी जो 40-50% तक कट के आ रही है, तो अब इन पैसों में वो अपना घर चलाएगा या बच्चों के स्कूल की फीस भरेगा या बच्चों के लिए एक नया मोबाइल खरीद कर देगा कि जा मेरे बेटे तू पढ़ाई कर ले, हम तो कैसे भी न कैसे करके तुझे पढ़ाएंगे ही, क्योंकि स्कूल वालों ने इतना प्रेशर जो दे दिया है। देखिये, सरकार ने भले कहा था कि ईएमआई नहीं कटेगी, लेकिन अगर आपके बैंक में पैसे जमा है, डिपॉजिट है, आपका बैलेंस है, तो बैंक वाले बिना बताए आपके अकाउंट से पैसे कट कर ले रहे हैं, और जिनके पैसे कट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें फोन कर करके इतना परेशान कर दिया है कि पेरेंट्स सोचता है कि वो जिंदा रहे या मर जाए। चलिए, बात मैं मानकर चलता हूँ कि एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, ये हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उसे अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन कोरोना के समय में जब पिछले 3 महीने से स्कूल बंद है तो छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती छोटे छोटे मोबाइल के सामने बैठा कर पढ़ाने की क्या जरूरत है? सिर्फ इतना कि आप अपने स्कूल का खर्चा निकाल सको, इन पेरेंट्स के थ्रू आप अपनी आमदनी जमा कर सको। अगर पढ़ाना ही है तो उन बच्चों को पढ़ाओ जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को पढ़ाओ, तो समझ में भी आता है कि चलो इनका पढ़ना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट ईयर 10th की एग्जाम्स है, बोर्ड की एग्जाम्स होंगे, इनका आगे की क्लास में जाना बहुत जरूरी है। अगर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे एक साल तो इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा। आप पढ़ाओगे भी तो पढ़ाओगे क्या पढ़ाओगे कि बाबर कब पैदा हुआ था, बाबर कब भारत आया, बाबर ने कब भारत में लूटपाट मचाई, बाबर कब मरा, यही पढ़ाओगे ना। तो हमने भी यही पढ़ा है और हम आज इस बात का क्या फायदा उठा रहे हैं? कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं, ऊपर से दिमाग का सारा टॉर्चर ही था, बाबर अकबर। मैं तो ये कहता हूँ कि एक साल तक इन बच्चों को बाबर और अकबर से दूर ही रहने दो। और मैथ्स में भी पढ़कर हमने क्या पढ़ा था, कॉस साइन थीटा, क्या आज उसे हम अपने निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि छोटे बच्चों को मोबाइल पर पढ़ाना सही नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि छोटे बच्चे मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो ये पूरे दिन नहीं देखते हैं, लेकिन आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठा कर उन बच्चों को पढ़ाओगे तो उन बच्चों के आँख पर क्या असर पड़ेगा,
उन छोटे बच्चों के लाइफस्टाइल पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो मोबाइल कितना गर्म हो जाएगा, हो सकता है वो फट भी जाए, लेकिन इस बात से स्कूल वालों को फ़र्क कहाँ पड़ता है और हमारी सरकार इस बात पर ध्यान भी नहीं दे रही है। ये तो रहा जनता का हाल, कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनका हाल तो इससे भी बुरा है। अब सोचिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो, उनकी जो नातिन है यानी उनकी बेटी की बेटी जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करती है कक्षा 4 में यानी क्लास 4 में वो पढ़ाई कर रही थी और पिछले 6 महीने से उसकी जो फीस थी वो नहीं भरी गई थी, तो स्कूल वालों ने क्या किया कि अचानक से उस बच्ची को ऑनलाइन के क्लास में कनेक्ट करना ही बंद कर दिया, उसे ऑनलाइन की क्लास से गायब कर दिया, यानी एक तरह से कहा जाए तो उसका स्कूल से नाम काट करके निकाल दिया गया। जब ये बात शिक्षा मंत्री को पता चली तो वो खुद ही गए स्कूल और वहाँ पर उन्होंने 22,000 रुपये उस बच्ची के भरे, तब जाकर उस बच्ची का मोबाइल भी कनेक्ट हुआ और उसकी आगे की पढ़ाई भी शुरू हो गई। लेकिन स्कूल वालों का ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है। क्या कोरोना के ऐसे समय में छोटे बच्चों को मोबाइल के ऊपर पढ़ाना क्या इतना ज़रूरी है? अगर वो तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो अगर एक क्लास उन्हें डायरेक्टली पास कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ एजुकेशन बिजनेस की हो रही है, तो जो एजुकेशन बिजनेस में बैठे हुए हैं जो प्राइवेट स्कूल, वो इन बातों से सरोकार नहीं रखेंगे, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो के साथ क्या राय रखते हैं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।